जय हिंद एवरीवन। इफ यू हैव पास योर ग्रेजुएशन और इफ यू इन द फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन एंड यू आर प्लानिंग टू जॉइन डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया, देन CDS एंड FCAT एग्जामिनेशन इज द वे फॉरवर्ड फॉर यू। आपने कई लोगों से सुना होगा कि इन एग्जाम्स को क्लियर करना इतना भी आसान नहीं होता। डेफिनेटली थोड़ा तो टफ होता है आपका, बट आई कैन अश्योर यू इतना मुश्किल भी नहीं होता है। बट करना क्या है आपको, आपको सही दिशा में जाना है, आपको सही लोगों से मिलना है, आपको सही लोगों से गाइडेंस लेनी है। अगर आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस मिल जाती है, आपको सही दिशा दिखाई जा सकती है, तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। आपके लिए वो सही दिशा क्या है, निम्बस डिफेंस अकेडमी। निम्बस डिफेंस अकेडमी ने 2022 में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं और वो इसीलिए प्रोड्यूस कर पाए हैं क्योंकि स्टूडेंट्स की मेहनत थी और साथ में निम्बस की एक फिक्स्ड रूटीन थी और उसी फिक्स रूटीन की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने नए बैचेज अनाउंस कर रहे हैं। हम ऐसा क्या करते हैं अपने बैचेज में कि जिसके कारण आपके जो स्टूडेंट्स के रिजल्ट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एश्योरिटी आ जाती है कि डेफिनेटली जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो पेपर क्लियर करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज कि हम कभी भी टीचिंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम वीक के 6 डेज पढ़ाते हैं और हर दिन हम 5 घंटे पढ़ाते हैं, तो वीक में आपके 30 घंटे की टीचिंग होती है और साथ में सैटरडे को ही आपका उस सिलेबस का टेस्ट भी होता है और स्टूडेंट्स को टाइमली फीडबैक मिल जाता है कि इस हफ्ते के सिलेबस में उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही है। इस टाइमली फीडबैक से बच्चों को एक रियलिटी चेक मिलता है कि उनको आगे क्या करना है। ये बहुत ज़रूरी होता है ये फीडबैक, और इस फीडबैक में हम कभी भी फेल नहीं होते हैं। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा एक वीक में उसका एक वीकली टेस्ट होगा और आपका टेस्ट डिस्कस भी होगा, टेक्स्ट की सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको प्रॉपर फीडबैक टीचर्स के द्वारा दिया जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये, और दूसरा जो भी हम इन 30 घंटों में पढ़ाएंगे वो बहुत ही वेल प्लान्ड करिकुलम है। अगर आपने कभी CDS का पेपर देखा होगा तो डेफिनेटली आपको लगा होगा कि इसमें तो बहुत उल्टपटांग से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको ये किताबें जो चीज़ें हैं आपको वो नहीं मिलेगी स्टैंडर्ड बुक्स में। तो ये सिलेबस आता कहाँ से है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये सिलेबस आपका आता है NCERT से। हम मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, रंग बिरंगी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जो किताबें हमें बेसिकली पढ़नी चाहिए वो हैं NCERT, और हम उसी को इग्नोर करते हैं। काफ़ी जगह यही आपका सिस्टम चल रहा है कि फैंसी बुक्स पढ़ाई जा रही हैं लेकिन जो बेसिक बुक्स है वो पढ़ाई नहीं जा रही है। पेपर आपका CDS का हो, चाहे आपका FCAT का हो, चाहे आपका कोई और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, उसकी फाउंडेशन आपकी किससे बनेगी, NCERT से। तो जो भी करिकुलम यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए वो आपका NCERT बेस्ड है। हर टीचर आपको GK पढ़ाने के लिए NCERT का ही पैटर्न फॉलो करता है। इससे क्या होता है कि जो आपके आउट ऑफ द सिलेबस आने वाले क्वेश्चन हैं उनका क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है कि वट एवर विल बी टॉट टू यू डेफिनेटली वही आपका एग्जाम में आने वाला है। थोड़ी बहुत तो चीज़ें रहती हैं बट आपका जो मेन पैटर्न रहेगा वो है आपका NCERT बेस्ड और उसी करिकुलम से आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट जो बात है वो है टाइमली टेस्टिंग। एक तो आपसे वीकली टेस्ट की बात मैंने की है कि आपके वीकली टेस्ट यहाँ पे हुआ करेंगे। दूसरा, एग्ज़ाम से सही टाइम पहले, सपोज आपका फेब में एग्ज़ाम हो रहा है FCAT का और आपका अप्रैल में एग्ज़ाम हो रहा है आपका CDS का, तो उसे 1.5 महीने पहले ही आपके फुल लेंथ टेस्ट की सीरीज शुरू हो जाएगी। ये फुल लेंथ टेस्ट स्टूडेंट्स का एक प्रॉपर एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि एग्ज़ाम हॉल जैसा ही बिल्कुल होता है। स्टूडेंट्स उसी टाइम में उसी प्रेशर को फील करके पेपर को अटेम्प्ट करते हैं और इससे इनको पता लगता है कि वो एग्ज़ाम के लिए कितने तैयार हैं, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं तो स्टूडेंट के पास स्कोप भी बहुत ज़्यादा होता है इम्प्रूव करने का। तो 1.5 महीना होता है उसके बाद अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने का, उसको पेपर को अटेम्प्ट को करने का, तरीका सीखने का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कोर्स का कि हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट की सीरीज टाइमली शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, इन टेस्ट के अलावा आपका जैसे कोई सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट होगा आपका प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस बनता है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। पहली है आपकी प्रॉपर टीचिंग, ठीक है, प्रॉपर टेस्टिंग। टीचिंग और टेस्टिंग ही वैसे तो इनफ रहती है पेपर को क्लियर करने के लिए, लेकिन उसके अलावा हम आपको और भी बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं जिसमें पहली चीज़ है आपकी मोटिवेशन, ठीक है। यूजुअली जब भी कोई तैयारी शुरू करता है तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता है, जोश जोश में पता नहीं दुनिया पलटने की बात करता है, लेकिन अल्टीमेटली मुद्दा होता है अंत तक टिकने का। अंत तक वही टिक पाता है जिसकी मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मोटिवेशन को कंटिन्यू रखना इतना आसान नहीं होता है। तो हम रेगुलर बेसिस के ऊपर रिकमेंडेड कैंडिडेट से आपकी बात करवाते हैं, हम उन ऑफिसर से आपकी बात करवाते हैं जो आपके डिफेंस फोर्स को सर्व कर चुके हैं और वो आपको बताएंगे कि जिस चीज़ के लिए आप तैयारी करने वाले हो वो कितनी ब्यूटीफुल है। तो मोटिवेशन मिल गई आपको, टाइमली आपकी टेस्टिंग हो रही है, सही तरीके का आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, आपका एग्ज़ाम में फेल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आपको क्या करना है, आपको यह तैयारी सही टाइम पे शुरू करनी है, सही लोगों के साथ शुरू करनी है। तो
अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए, टाइमली आपकी टेस्टिंग शुरू हो जाए, तो इसके लिए आपको टाइम बाउंड मैनर में आपको अकेडमी को ज्वाइन भी करना पड़ेगा। आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी तैयारी की वो हम पे छोड़िए और बाकी अपने पार्ट में मेहनत करिए। डेफिनेटली आपका CDS और FCAT एग्जामिनेशन इस अटेम्प्ट में क्लियर होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू इन निम्बस डिफेंस अकेडमी सुपर सून।